गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है डायनेमिक इकोनॉमिक। प्रावेगिक अर्थशास्त्र, लास्ट वीडियो में आपने स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में देखा, उसके प्रकार देखे थे हमने, उसके चार प्रकार बताए थे, व्यष्टि, तुलनात्मक व्यष्टि, समष्टि और तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक। तो इस तरीके से उसके चार प्रकार थे। वो टॉपिक ख़त्म होता है तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डायनेमिक का। और डायनेमिक जो कंडीशन होती है इसके बारे में यदि कोई दो लाइन में पूछना चाहे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये है कि ये आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, संतुलन नए बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, यानी संतुलन इसमें बार बार भंग होते रहते हैं। एक संतुलन से नया संतुलन किस तरीके से बनता है, एक संतुलन से नए संतुलन पर एक व्यष्टि किस तरीके से पहुंचता है, उन सभी दशाओं का इसमें अध्ययन होता है। इसमें उन फैक्टर का भी अध्ययन होता है, यानी उन तत्वों का भी अध्ययन होता है जो नए संतुलन पर पहुंचने में क्रियाशील थे, यानी पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होने में जितने भी फैक्टर क्रियाशील थे उन सभी का इसमें अध्ययन होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तनों वाली इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक अर्थशास्त्र कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड लिप्से इनका कहना है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र ऐसी कंडीशंस या ऐसी दशाओं का अध्ययन है जो लगातार असंतुलित दशाओं का अध्ययन करती है, यानी असंतुलित दशाओं का अध्ययन जो है वो क्या है, असंतुलित दशाएं और व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत बाजार और असंतुलित दशाओं का अध्ययन क्या माना है, ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र माना है, क्योंकि इनमें लगातार संतुलन भंग होते हैं, बिगड़ते हैं, और इस तरीके से इस स्थिति को क्या माना है उन्होंने, प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से रिचर्ड लिप्से के अनुसार असंतुलित बाजार, असंतुलित दशाएं आदि ऐसी कंडीशंस का जब अध्ययन किया जाता है या ऐसी कंडीशंस ही क्या होती है, ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र होती है। बात करें प्रायोगिक अर्थशास्त्र के प्रकार की, तो इसके दो प्रकार हैं। पहला है व्यष्टि प्रावेगिक, यानी के माइक्रो डायनेमिक, व्यष्टि प्रावेगिक। व्यष्टि प्रायोगिक से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये असंतुलित दशाएं हैं किस कारण आती है। बेसिकली जो व्यष्टि प्रायोगिक है इसका अर्थ भी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी वैसा ही है कि व्यष्टि प्रायोगिक में भी असंतुल, ये आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें लगातार चेंज होते रहते हैं और इसके अंतर वो की वो कंडीशन होती है जैसे कि संतुलन नए बनते हैं, बिगड़ते हैं, एक व्यक्ति का संतुलन एक से दूसरे पे किस तरह से पहुंचता है, एक व्यष्टि एक संतुलन को छोड़ के नए संतुलन पर किस कारण जाता है, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी दशाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे कि एक व्यष्टि है, व्यष्टि का मतलब एक व्यक्ति या सिंगल की बात करें, एक सिंगल इकाई की, कि वो एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर कैसे पहुंचती है, उन सभी रीजंस का इस जो अर्थशास्त्र में क्या है, अध्ययन किया जाता है प्रायोगिक अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि का अध्ययन की बात कर लेते हैं तो वो इसी का टॉपिक हो जाता है। तो इसमें क्या है, लगातार आप जानते हैं परिवर्तन होते रहते हैं, नए संतुलन बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार
इसकी यदि बात करें कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं, मुख्यतः इसमें जो वैश्विक अर्थशास्त्र है इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला है जो परिवर्तन होता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में चेंज होता है, वो है चेंज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में परिवर्तन, जब जनसंख्या परिवर्तित हो जाती है तो आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बड़ा चेंज आ जाता है। किस कारण आ जाता है? जनसंख्या परिवर्तित होगी तो डिमांड एंड सप्लाई सभी में चेंज आ जाएगा। विशेष रूप से जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यदि पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी, जैसे बच्चे बड़े होते तो उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है, अलग अलग प्रकार की डिमांड, उनके खाने से लेकर के उनके पहनने, खाने पहनने, उनके बड़े होने तक रोज़गार से संबंधित सभी प्रकार की जो डिमांड्स है वो अर्थव्यवस्था से होने लगती है। तो कहने का मतलब है डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर सप्लाई भी उनके अनुरूप करनी पड़ती है अर्थव्यवस्था को। तो कहने का मतलब है डिमांड में परिवर्तन हो चाहे सप्लाई में परिवर्तन हो, अर्थव्यवस्था में चेंज निश्चित रूप से ये आना ही है। दूसरी हम बात कर लें तो है, ये है चेंज इन टेक्निक्स। चेंज इन टेक्निक्स यानी तकनीकों में परिवर्तन। तो जब तकनीकें बदल जाती है, पुरानी तकनीकों के स्थान पर जब लोग नई तकनीकों से काम करने लग जाते हैं, तो ये टॉपिक हमने पहले क्लियर किया हुआ है कि नई तकनीक से कैसे किस तरीके से काम होता है और पुरानी तकनीक से किस तरीके से काम होता है। पुरानी तकनीक है वो मेन पावर बेस्ड है यानी मानव का ज़्यादा प्रयोग होता है उसमें, और जो न्यू टेक्निक है उसमें मशीन पावर का ज़्यादा प्रयोग होता है यानी मशीनों का ज़्यादा उसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कौन सी टेक्निक से, यदि अर्थव्यवस्था में नई टेक्निक का प्रयोग लेते हैं तो नई नई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नई टेक्निक से हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं, इसके अलावा नई टेक्निक से हम नई चीज़ें बनाते भी हैं, इसके अलावा हम आज जिधर भी देखते हैं ज़्यादातर हमें न्यू टेक्निक्स का ही रोल देखने को मिलता है। नई तकनीकों से काम करते हैं तो कहीं काम जल्दी भी हो जाता है, तो इससे अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है जिससे कि अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ चेंज है जिनकी वजह से ये अर्थव्यवस्था में चेंज आते रहते हैं। तीसरे की बात करी जाए तो वो है चेंज इन कैपिटल। पूंजी में परिवर्तन, यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी में परिवर्तन आ गया, बिजनेस उद्योग यदि पूंजी ज़्यादा लगा देंगे तो बड़े तरीके से चलेंगे, उद्योग यदि पूंजी की कमी आ गई है तो उद्योगों में क्या है, प्रोडक्शन की कमी आ जाती है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जिससे कि संतुलन है जो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। संतुलन जब चेंज होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यदि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो यदि एक माना कि चीनी की डिमांड है, चीनी जितनी भी मिले, देश की सारी चीनी मिलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीनी उद्योग हो जाता है, ठीक है। सिंगल इकाई को हम एक कंपनी फैक्ट्री कह सकते हैं, लेकिन जब उन सभी को इकट्ठा करके बात करते हैं तो उद्योग कहा जाता है। जैसे चीनी, देश की सारी चीनी मिलों की बात करें तो वो चीनी उद्योग है। तो चीनी उद्योग की बात करें तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, चीनी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो रेट में भी अप एंड डाउन आएगा, तो रेट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से यदि पूंजी व्यवसाय में ज़्यादा लगा दी जाए तो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो जाएगा, तो रेट में कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई तो इफेक्ट करेंगे, उसको रेट में भी चेंज आ जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते टेक्निक की, अच्छे जल्दी से काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में क्या, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सभी में क्या है, चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या है, जो संतुलन नए बन जाते हैं, नए चेंज संतुलन चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर ले चौथे नंबर पे, तो वो है चेंज इन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। उपभोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन, लगातार उपभोक्ता की यदि आवश्यकताओं में यदि चेंजेस आ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे
कि डिमांड में परिवर्तन आ गया है तो प्राइस में भी चेंज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या है, रिक्वायरमेंट वो क्या है, ये बदलती रहती है। ठीक है, जैसे कि गर्मी के दिनों में गर्मी वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दी का जैसे सीजन स्टार्ट होता है तो सर्दी वाली चीज़ों की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो कुछ नए प्रकार की जो गुड्स है, जो आइटम है, जो चीज़ें हैं, उनकी डिमांड है अपने आप ही बढ़ जाती है। और उपभोक्ता के बारे में एक और बात कही जाती है कंज्यूमर के बारे में कि जैसे ही एक उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है तो दूसरी रिक्वायरमेंट उसके दिमाग में जन्म ले लेती है। तो रिक्वायरमेंट्स खत्म होने का कभी नाम ही नहीं होता है, कहना मतलब लगातार रिक्वायरमेंट्स है जो बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था में संतुलन जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के साधन। तो यदि उत्पत्ति के साधन है, हम बात कर लेते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, सभी, यदि इन सभी में यदि चेंज हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे जो परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि ये सभी उत्पत्ति के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यदि सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इनको कंपनियाँ ज़्यादा रखेगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। और यदि ये महंगे हो जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज़ होती है, कंपनियाँ कम रखेगी इनको और प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन से ही अर्थव्यवस्था में एक बड़ी मात्रा में क्या है, जो इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो इसलिए जो ये जो फैक्टर है, उत्पत्ति के जो फैक्टर है, सारे सर उत्पत्ति के जो साधन है, इनमें यदि चेंज होता है तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जा करके चेंज होंगे, जिससे कि भी संतुलन है जो बनेगा और बिगड़ेगा। डेली हम देखते हैं अखबार में, यदि आप रेट देखो तो वो इसी कारण से होता है। यदि वस्तुओं के भाव देखते हो, एक अखबार जो आप देखते हैं, यदि आपके पास घर में अखबार आता है तो लास्ट पेज आता है, उस पर वस्तुओं के भाव तो आते हैं। यदि आप देखोगे कि आज क्या भाव है चीज़ें, कल क्या भाव थी, लगातार थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, तो वो अर्थव्यवस्था की एक कंडीशन है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र की है। ठीक है ना, उसमें लगातार हम चेंज देखते हैं, नए डेली संतुलन बनते हैं। संतुलन पर क्या होता है, नई रेट तय हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई की में चेंजेज के कारण। तो वही हम डेली, ये प्रायोगिक अर्थशास्त्र की स्थिति है। तो डेली आप भाव चेंज देखते हो तो वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण ही होते हैं कहीं ना कहीं। और डिमांड एंड सप्लाई जो किसके कारण होती है, जो हम पॉइंट ये पढ़ रहे हैं सभी, इनके कारण कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, जिसकी वजह से रेटें जो क्या चेंज हो जाती है। लास्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं तो वो है चेंज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यावसायिक संगठन है उनके यदि स्वरूप में यदि परिवर्तन आ जाए, व्यावसायिक संगठनों में यदि परिवर्तन आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए यदि व्यावसायिक संगठन है उनमें यदि परिवर्तन आता है, अभी सपोज किए कोई बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें यदि कहीं किसी भी कारण से यदि कोई उसके प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, और किसी कारण से यदि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है, राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी ही करेगी। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले मोबाइल की बहुत सारी कंपनियाँ हुआ करती थी हमारे देश में, लेकिन अभी अब गिनी चुनी कंपनियों के नाम देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनियाँ मिक्स हो गई, मर्ज हो गई एक दूसरे में, मुख्य मुख्य दो चार कंपनियों का अब नाम देखने को आ रहे हैं, जबकि पीछे 20-25 कंपनियाँ थी। ठीक है, तो ये व्यावसायिक संगठन है, इनके सारे सारे क्या है, स्वरूप ही बदल गए। कहीं कहाँ 20-25 थे, आज 4-5 पे अटक गए हैं। तो यदि इनमें चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है, रेटें चेंज हो गई है, प्लान चेंज हो गए हैं, चीज़ें महंगी भी हो गई है तो कहीं सस्ती भी देखने को मिल रही है, कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है हमें तो कुछ नहीं भी, लेकिन कहने का मतलब चेंज हुआ है। तो ये जो व्यावसायिक संगठन है इनके, इनमें यदि परिवर्तन हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में बड़ा चेंज देखने को मिलता है। हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि बहुत सारी जैसे चीनी मिलें थी, लेकिन अब वो सीमेंट की फैक्ट्रियों में तब्दील हो गई है, बदल गई है, उन्होंने अपना
बिजनेस है जो चेंज कर दिया है, तो फिर सीमेंट की डिमांड जो है वो तो हो जाएगी कम, क्योंकि सीमेंट ज़्यादा बनने लग गई है, चीनी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि चीनी कम हो गई है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में चेंज आ गया, रेट बढ़ जाएगी चीनी की और रेट कम हो जाएगी सीमेंट की। तो कहने का मतलब यदि व्यावसायिक संगठन यदि अपना जो स्वरूप चेंज कर दे, किसी ने इस तरीके से नया सेटअप अपना लगा ले, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिनकी वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था में चेंज आते रहते हैं, नए संतुलन बनने और बिगड़ने का कारण मुख्य रूप से इन्हीं से हम जोड़ करके देख सकते हैं। तो प्रायोगिक अर्थशास्त्र में है जो हम बात करें माइक्रो, ठीक है, वेस्टी प्रायोगिक में मुख्य प्रकार से ये चेंजेस होते रहते हैं और इन चेंजेस की वजह से अर्थव्यवस्था में लगातार क्या है, परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन से संतुलन नए और पुराने बनते रहते हैं, ठीक है, पुराने संतुलन भंग होकर के नए संतुलन बनते हैं, और जहां नई प्राइस और नई क्वांटिटी का डिक्लेरेशन होता है यानी निर्धारण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि इन संतुलन बनने बिगड़ने से अर्थव्यवस्था में किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से, जो आगे डायग्राम के द्वारा आप नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। तो अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।